वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज हम लोग एबायोटिक कंपोनेंट के लाइट और टेम्परेचर सेगमेंट को देखेंगे। इसके पहले भी इस वीडियो को अपलोड किया था पर उसको मैंने डिलीट किया है। उसका एक बहुत मेजर कारण है इस बार डिलीट होने का। मेरा एक सब्सक्राइबर है, बीरेंद्र नाम है उनका, हरियाणा से हैं। उनको वो ब्लाइंड है और उन्होंने मुझे कल फ़ोन किया कि सर आपके जो पढ़ाने का तरीका है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कृपया कोई डेटा को स्किप मत किया कीजिए, मुझे दिखता नहीं है, मैं सिर्फ सुनता हूँ और ये मुझे बहुत ही लगा कि ये सही तरीका नहीं था, क्योंकि कल मैंने रवि और खरीफ की फसलों का एग्जाम्पल भी नहीं बोला था। तो जिनकी आँखें हैं भगवान दिए हैं वो इसको व्यू करें ना करें, उस बच्चे के लिए मैं उस वीडियो को डिलीट किया हूँ और फिर से मैं इस वीडियो को अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ मोनेटाइजेशन के लिए नहीं हूँ। और बहुत अच्छा लगा कि उस बच्चे ने कहा कि मैं आपके सारे वीडियोस देखता हूँ। थैंक यू गाइस, इस तरह के प्यार की उम्मीद नहीं थी मुझे यूट्यूब पर। फिर से मैं अपलोड कर दे रहा हूँ आपके लिए और आइंदा से ऐसा नहीं होगा, एक एक डेटा को मैं यहाँ पर पढ़ूँगा, एक्सप्लेन करूँगा। दरअसल वो एग्ज़ाम्पल्स थे पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोई मेरा स्टूडेंट इस तरह से मुझे फॉलो करता है। थैंक यू। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश और ये वीडियो मैं फिर से शूट कर रहा हूँ एक बहुत से प्यारे से बच्चे के लिए, एक सब्सक्राइबर के लिए। अच्छा लगा। आज जिस कंपोनेंट को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बायोलॉजिकल कंपोनेंट में एबायोटिक सेगमेंट का एक पार्ट है, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। क्लाइमेट के बाद टोपोग्राफी और एडैफिक फैक्टर आएगा और केमिकल फैक्टर एक वीडियो में आ जाएगा, तो बने रहिएगा हमारे साथ। बायोजियोकेमिकल साइकिल हम जो एनर्जी सेगमेंट है जिसमें कंप्लीट सर्कुलर और जो है इनकम्प्लीट की बात किए हैं उसमें हम ऐड कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, मैं रात में सोचता ही रह गया इस चीज़ को कि खैर। एबायोटिक कंपोनेंट में आज हम पढ़ेंगे लाइट को और टेम्परेचर को, ये क्लाइमेटिक फैक्टर है। क्लाइमेटिक फैक्टर में प्रेसिपिटेशन, ह्यूमिडिटी और विंड आता है मेजरली। क्लाइमेट की बात करें अगर हम, तो क्लाइमेट क्या होता है? एक जो कोपेन का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है उसमें क्लाइमेट को जो डिफाइन उन्होंने किया है, तो उन्होंने बताया कि 30 से 45 साल का वेदर डेटा, वेदर का जो डेटा होता है, जो पैटर्न होता है, उसी को हम क्लाइमेट कहते हैं। और वेदर क्या है? शॉर्ट टर्म जो है आपका एटमॉस्फेरिक पैटर्न को हम वेदर कहते हैं। ये एटमॉस्फेयर के चेंज होने के साथ साथ चेंज हो जाते हैं, पर क्लाइमेट एक लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है। इंडिया में कई प्रकार के क्लाइमेट हैं, कई प्रकार के क्लाइमेट से कई प्रकार के मानसूनस बनते हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, सीरीस, ये ऋतुएं हैं, बसंत, इसी के आधार पर खेत में फसलों को लगाया जाता है। अभी आगे वो आएगा। जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने
विंटर को जनवरी से फरवरी के बीच में रखा है, समर को मार्च से मई 21 मई तक रखा है, मॉनसून जो आपका रेनी सीज़न है वो 7 जून से 21 सितंबर है, पोस्ट मॉनसून सीज़न अक्टूबर टू दिसंबर है। शुरुआती समय में भारत में जो विंटर सीज़न था वो 14 नवंबर से 14 मार्च हुआ करता था। देखिए कैसे क्लाइमेट इम्पैक्ट में आता है, कैसे क्लाइमेट में बदलाव धीरे धीरे हो रहे हैं, और ये बहुत ड्रास्टिक है, और ये अब विजिबल हो रहा है, अब ये दिख रहा है, अब ये चीज़ें हम लोगों के सामने आ रही हैं। क्लाइमेट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सेगमेंट है लाइफ को स्टैंड करने का, लाइफ को ग्रोथ करने का, लाइफ को न्यूरिश करने का, लाइफ को चलने का सबसे ज़्यादा, और सबसे नाजुक संतुलन पर ये निर्भर करता है। खारे पानी और मीठे पानी के उस ग्रेट कन्वेयर करंट पर निर्भर करता है हमारा मानसून। अब जो हमारी अर्थ है उस पे अलग अलग क्लाइमेटिक जोन है। इक्वेटर जो कि 0 डिग्री होता है, ये देखिए मैंने यही ये जो आपके डिग्रीज़ हैं ये इसमें मेंशन करके मैं आगे बढ़ गया था, पर अब मैं एक एक पॉइंट को इसमें ब्रीफ कर रहा हूँ। इक्वेटर 0 डिग्री पर होता है, 0 डिग्री के दोनों तरफ पाए जाने वाले फॉरेस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट कहलाते हैं। 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ पर जो आपका जोन है उसको हम टेम्परेट जोन कहते हैं, और 80 डिग्री नॉर्थ और 80 डिग्री साउथ पर जो जोन है उसको हम पोलर जोन कहते हैं, या आपका कहते हैं फ्रिज्ड जोन कहते हैं। और इसके बाद से इसी आधार पर वर्गीकरण होता है क्रॉप्स का, और ये वर्गीकरण लाइट और टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। जैसे कि लाइट डिपेंडेंट स्पीसीज हीलियोफाइट्स, साइकोफाइट्स, फैकल्टेटिव हीलियोफाइट्स, फैकल्टेटिव साइकोफाइट्स होते हैं, फिर फैकल्टेटिव हीलियोफाइट्स को फोटो पीरियड के आधार पर फोटोफिलिक, फोटोफोबिक और फोटो न्यूट्रल बताया गया है। क्लाइमेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल सेगमेंट है, बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल सेगमेंट है। जैसे कि क्लाइमेट में हो रहे बदलाव से बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, स्पीसीज विलुप्त हो रहे हैं, और हम अभी भी जो है इसको ध्यान इस पर फोकस नहीं है। पर बहुत अच्छा लगा कि जो बाइडेन जो अमेरिका के नए राष्ट्रपति हैं वो क्लाइमेट चेंज को लेकर ही बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और ये अच्छी बात है, क्योंकि अमेरिका शुड हैव टू कहते हैं ना उसको कि एक माइलस्टोन उसको क्रिएट करना पड़ता है। वो घर का बड़ा जैसे होता है जैसे, तो उसको एक माइलस्टोन बनाना पड़ता है। उसी तरह अमेरिका की नैतिक जिम्मेदारी है कि वो दुनिया को एक एग्जाम्पल सेटअप करे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। अब लाइट का जो एसेंशियलिटी है वो कहाँ शुरू होता है? लाइट का एसेंशियलिटी ही शुरू होता है फूड से। ऑटोट्रॉप्स हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉप्स जो है वो खाना बन करते हैं, और उन्हीं पर सारी डिपेंडेंसी है, ऑटोट्रॉप पे ही सारी स्पीसीज निर्भर करते हैं। अब ये निर्भरता जो है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से होती है। अब भाई अगर मान लीजिए कि ऑटोट्रॉप्स खाना नहीं बनाएंगे तो उसको प्राइमरी कंज्यूमर कैसे अपटेक करेगा? अब प्राइमरी कंज्यूमर अगर अपटेक नहीं करेगा तो फिर दिक्कत फंसेगी कि सेकेंडरी कंज्यूमर की ग्रोथ ही नहीं होगी, वो कंज्यूम ही नहीं करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर की संख्या गिरने लगेंगी अगर प्रोड्यूसर में दिक्कत हो। तो किसी भी इकोसिस्टम में अगर हम प्रोड्यूसर को हिट कर दें तो सारा का सारा इकोसिस्टम हिट हो जाता है, पूरा इकोसिस्टम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंसी और रिलेशनशिप जो भी हम लोगों के पास है वो सिर्फ फूड को लेकर है, खाने को लेकर है। अब लाइट एसेंशियल कंपोनेंट है फॉर फोटोसिंथेसिस, फंडामेंटल ब्लॉक है लाइट जो है अर्थ का। लाइट हमको अर्थ पे सन से भी आती है, लाइट हमको अर्थ पे मून से भी मिलती है, स्टार से भी मिलती है,
और लाइट के कुछ नेचुरल सोर्सेज हैं हमारे अर्थ पे, जैसे दीमक आपका जुगनू है जो रात में स्पार्कल करता है, जुगनू। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लाइट के सोर्सेज हैं, पर ट्रिमेंडस सोर्स ऑफ एनर्जी की बात करें अगर, तो वो है सन। सन के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, और सोलर एनर्जी जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो सन से चलने वाली लाइट्स जो है वो अपने साथ फोटॉन में आती हैं, फोटॉन बंडल्स में लाइट आती है, और चूंकि कई सारे फोटॉन्स का समूह जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, प्रोटॉन्स भी होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो ये सब मिलकर बनाते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिज्म होता है उसमें, और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म उसमें टेम्परेचर को जनरेट करता है। और यही चीज़ें जब प्रोड्यूसर के पास जाती हैं 1360 वाट पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, सोलर कांस्टेंट जिसको कहते हैं, तो इसको वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है अपने, और स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी में जो स्टोर करता है वो स्टोर होती है फ्रूट्स में। तो अब कभी आप जो है कोई भी फ्रूट खाएं तो आप समझ लीजिए कि आप सोलर के एनर्जी कंपोनेंट का लाइट सेगमेंट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अपने अंदर खा रहे हैं, वो स्टोर होती है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसको जो है वो मेटाबोलाइज होगी, फिर आप में एनर्जी क्रिएट होगी, फिर वो काइनेटिक्स में कन्वर्ट होती है, तो ऐसे एनर्जी मूव करती रहती है। एनर्जी का फ्लो जो है वह हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है, हर केस में यूनिडायरेक्शनल होता है। एक सवाल अभी एक बच्चे का था इसके पहले वाले वीडियो में कि सर यूट्रिकुलेरिया अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट है तो उसको टॉप कंज्यूमर पे क्यों नहीं रखा गया? तो उसका सबसे भाई आप ये समझो कि यूट्रिकुलेरिया जो है वो जहाँ भी है, या ब्लैडर वुड या सन ड्यू, ये जहाँ भी हैं ये वहाँ के प्रोड्यूसर कम्युनिटी में आते हैं। उस प्रोड्यूसर कम्युनिटी का जो है फंडामेंटल ये है कि उसको जो न्यूट्रिशन में एक नाइट्रोजन सेगमेंट चाहिए होता है उसके लिए ही वो बस इंसेक्ट का शिकार करते हैं। बाकी मैक्सिमम न्यूट्रिशन तो वो प्लांट से, सॉइल से लेते हैं, राइजोस्फीयर से लेते हैं, पर नाइट्रोजन के लिए ही वो अपने आप को इस तरह से अडाप्ट किए हुए हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट कभी भी टॉप कंज्यूमर में नहीं आएंगे, और अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट किसी इकोसिस्टम में है तो भी एनर्जी हमेशा ही यूनिडायरेक्शनल फ्लो करेगी। वो उसको आप प्रोड्यूसर ही मानिए, और प्रोड्यूसर से फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टॉप कंज्यूमर एनर्जी फ्लो करेगी। सन से जो लाइट आती है वो 7 स्पेक्ट्रम बैंड में आती है मेजरली, जिसको हम विजिबल ल्यूमिनेक्स बैंड भी कहते हैं। ये बैंड जो है आपका सनलाइट को हमारे पास ले आता है विबग्योर में, वायलेट, इंडिगो, ब्राउन, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। और यही देखिए ऋग्वेद में ये चीज़ मेंशन है, सूरज के 7 घोड़े, कोई भी रथ 7 घोड़े से चलाना मुश्किल है, तो सन के 7 घोड़े जो उन्होंने बताए थे ऋग्वेद में वो यही हैं, 7 कलर्स, जिसको अब हम समझ रहे हैं, अब हम जान रहे हैं, स्पेक्ट्रम्स को समझ रहे हैं, स्पेक्ट्रम्स की फिलॉसफी को समझ रहे हैं। तो अब इसमें जो रेड लाइट है, जो लाल कलर की रोशनी है, इसमें फोटोसिंथेसिस सबसे बेहतरीन होता है, सबसे बेस्ट होता है ये फोटोसिंथेसिस के लिए, और सबसे ख़राब जो होता है वो वायलेट नहीं होगा, इट इज़ रेड। रेड में जो है फोटोसिंथेसिस जो रहता है वो उतना बढ़िया नहीं होता है, या नहीं भी होता है आप मान के चलिए। क्या चक्कर गिन्नी खा गए? रेड नहीं है वो, ब्लू है, ब्लू है ब्लू। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो आपका प्लास्टिड है और जो पिगमेंटेशन है वो रेड लाइट, जब रेड बैंड स्पेक्ट्रम की पड़ती है तो प्लांट अच्छे से करते हैं, ब्लू लाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, मिनिमम होती है, इसीलिए ब्लू लाइट को जो है वो नहीं माना गया है कि ये अच्छा है फॉर फोटोसिंथेसिस। रेड को हमेशा ही अच्छा माना गया है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्यों क्यों, क्या कारण है कि रेड को ही अच्छा माना गया है? क्योंकि इट्स ऑल वेरीज विथ वेवलेंथ के कारण, वेवलेंथ के कारण, इंटेंसिटी के कारण। लाइट वेव, साउंड वेव जब भी ट्रेवल करती हैं किसी भी मीडियम में तो उनकी वेव लेंथ जो है वो घटती है और फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ती है। डॉपलर के नियम पढ़े होंगे आप लोग,
थोड़ा सा आपको यही बताऊंगा। जब ये मान लीजिए कोई मीडियम है, अब इसमें हम कोई वेव तरंग भेज रहे हैं, तो जब ये मीडियम से पास होगा तो उसकी वेव लेंथ बढ़ेगी और उसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, समझे? क्रेस्ट एंड ट्रफ उसका बढ़ेगा। अब वेजिटेशन को जो क्लासिफिकेशन है प्लांट का, स्पीशीज का, उसमें जो है चार मुख्य प्रकार है, हीलियोफाइट्स, साइकोफाइट्स। पहले तो दो समझ लीजिए आप। हीलियोफाइट्स मतलब वो जो बेस्ट सनलाइट में ग्रोथ करते हैं, बेस्ट सनलाइट में ग्रो करते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सनलाइट मात्रा में चाहिए, जैसे ओराइजा सटाइवा है, ट्रैक्टिकम स्पीसीज है, पल्सेस है, सीड है, ऑयल सीड मतलब तेल जहाँ से मिलता है, और पेड़ हैं। साइकोफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो कम सनलाइट में भी ग्रो कर ले जाते हैं, जैसे पीपर है, माने काली मिर्च, जिंजर है, टर्मरिक है, टी है। फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स, फैकल्टेटिव हेलोफाइट्स वह स्पीसीज होते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिकली जो है वो साइकोफाइट्स होते हैं, बट उनकी एबिलिटी हेलियोफाइट्स वाली ही होती है। और फैकल्टेटिव साइकोफाइट्स में क्या होता है कि ये भी फैकल्टेटिव हेलियोफाइट्स हैं पर कैरेक्टरिस्टिकली साइकोफाइट्स हैं, बट एबिलिटी टू ग्रो इन हेलोफेटिक कंडीशन, मतलब ये कम सनलाइट में भी ग्रो करेंगे और लार्ज सनलाइट में भी, ज़्यादा मात्रा में सनलाइट में भी ग्रो कर जाएंगे। सन के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, जो उसको फोटोपीरियोडिज्म कहते हैं, फोटोपीरियोडिज्म के अंतर्गत जो स्पीसीज ग्रो करते हैं उनको तीन भागों में बांटा गया है, फोटोफिलिक, फोटोफोबिक और फोटो न्यूट्रल। फोटोफिलिक मतलब फोटो लविंग, जैसे होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक। तो इसमें क्या है कि फोटोफिलिक में प्लांट दैट ग्रोज विदाउट डायरेक्ट और फुल सनलाइट, जैसे टोमेटो है, सनफ्लावर है, ओनियन है। फोटोफोबिक मतलब कि दोज प्लांट्स दैट ग्रो इन शेडी और लेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और फोटो न्यूट्रल है कि जिनको सनलाइट का उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, कम होगा ज़्यादा होगा तो भी वो ग्रो करेंगे। जैसे बहुत सारे इंडोर प्लांट्स जो होते हैं वो फोटोफोबिक कैटेगरी में आते हैं। बहुत सारे जो है आपका, जैसे सोयाबीन है, टोबैको है, स्वीट पोटैटो है, ये सब आपका फोटोफोबिक है, बहुत ज़्यादा लाइट की इनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। मतलब कि अगर हम फोटोपीरियडिज्म के आधार पर देखें तो ये शॉर्ट डे प्लांट हुए, और जो फोटोफिलिक हुए ये लॉन्ग डे प्लांट हुए, और फोटो न्यूट्रल जो हुए ये प्लांट क्या हुए, ये डे न्यूट्रल प्लांट की कैटेगरी में आए। जैसे फोटोपीरियडिज्म में इसमें बताया गया, इसी चीज़ को फोटोपीरियडिज्म में अलग तरीके से हम देखते हैं। गार्नर एलार्ड इन 1920 इन्होंने फोटोपीरियडिज्म टर्म दिया, इसमें प्लांट को तीन कैटेगरी में बांट दिया। शॉर्ट डे प्लांट, 8 से 9 घंटे इनको सनलाइट चाहिए, मतलब कि फोटोफोबिक। और इसमें आया सोयाबीन, टोबैको, स्वीट पोटैटो जैसे एग्जांपल है। लॉन्ग डे प्लांट में आप देखेंगे कि आपका फोटोफिलिक प्लांट्स आ रहे हैं, ये 12 से 14 घंटे की इनको सनलाइट चाहिए होगा। डे न्यूट्रल प्लांट मतलब कि वह प्लांट जो कि जिस पे सनलाइट का जो फोटो पीरियड है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, किसी भी प्रकार का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो हो जाएगा आपका डे न्यूट्रल प्लांट या फोटो न्यूट्रल प्लांट। फिर इसी तरह प्लांट मूवमेंट भी करते हैं, उनको फोटोटैक्सिस मूवमेंट कहते हैं। फोटोटैक्सिस मूवमेंट क्या है कि लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग फैक्टर है नेचर का, और लाइट के कारण किसी भी प्लांट में या स्पीसीज भी होते हैं, फोटोटैक्टिक स्पीसीज भी होते हैं जो ये मूव करते हैं। एनिमल की बात करोगे तो ये मूवमेंट होता है लाइट से, जैसे चमगादड़ हो गए ना, तो लाइट से मूवमेंट होता है उनका, देखेंगे नहीं आप कभी चमगादड़, आपको जो है उल्लू है, ये क्या होता है, ये रात्रिचर है, रात में चलने वाले जानवर हैं, ये रात में वर करते हैं। उल्लू की क्या खासियत है, उल्लू पूरे धरती पर पाया जाने वाला इकलौता स्पीसीज है जिसकी जो गर्दन है वो 360 घूमती है। अब क्या कारण है 360 घूमने का, नेचर ने उसको ऐसा फ्लेक्सिबल क्यों बनाया, क्योंकि उसकी जो आई बॉल है, आई बॉल
आंख, ये फिक्स है। अब अगर उसको पूरा घूमना है तो उसको पूरी अपनी गर्दन 360 घुमानी पड़ती है, तब उसको वो चीज़ें दिखती हैं क्लियरली। याद है, आपको अच्छा लगा होगा। तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट को फोटोटैक्सिस भी कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट में मौजूद प्लास्टिड सेल्स के द्वारा जो सनलाइट एब्जॉर्ब किया जाता है उसी के अंतर्गत ये मूवमेंट होता है। दो प्रकार का है, निगेटिव फोटोटैक्सिस मूवमेंट। ये जो है मूवमेंट वीक लाइट के लिए होता है, हल्की सी भी रोशनी मिलेगी तो उस तरफ मूव कर जाएंगे। अक्सर आप घरों में पौधे लगाएं कमरे के अंदर तो वो देखेंगे कि आप वो प्रायः जो है वो सनलाइट की तरफ मूव कर रहे हैं, इट इज़ फोटोटैक्टिक मूवमेंट। मैं अपने डिपार्टमेंट में बहुत सारे पौधे लगाया हूँ जो ये पौधे सनलाइट की तरफ मूव कर जाते हैं, तो हमको गमले को बार बार सनलाइट सन फेसिंग करना पड़ता है। निगेटिव फोटोटैक्सिस मतलब कि वो सनलाइट को से दूर जाए, सनलाइट के अवे जाए, तो उसको हम निगेटिव फोटोटैक्सिस मूवमेंट कहते हैं। फिर साइंटिस्टों ने दो और कैटेगरीज दी जिसमें इपिस्टॉपी और पैरास्टॉपी आता है। टर्मोलॉजी है, इसको समझिए आप। इन वीक लाइट इंटेंसिटी, जब लाइट की इंटेंसिटी बहुत कम होती है तो लीफ अपने आप को फ्लैट कर लेते हैं, लीफ सरफेस फ्लैट हो जाता है ताकि पूरा का पूरा रेडिएशन इंटेंसिटी वो एब्जॉर्ब कर ले। पर इन केस ऑफ पैरास्टॉपी जो होता है, वो अगर लाइट की इंटेंसिटी उसके क्लोरोप्लास्ट के बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाती है तो वो अपने आप को इस तरफ मोड़ लेता है ताकि उसको कम लाइट में ही उसका गुजारा बसर हो जाए, वो अवॉइड करे इस लाइट के ल्यूमिनेंस को। ठीक है, अब एक बहुत बढ़िया चीज़ आता है, अजीज कांस्टेंट। इसको थर्मल क्वांटम भी कहते हैं। अजीज कांस्टेंट ही वो वैल्यू है जो कि कैलकुलेट करती है फॉर द फ्लावरिंग ऑफ स्पीसीज। अब इसमें क्या होता है कि अजीज कांस्टेंट में टोटल ड्यूरेशन ऑफ लाइट प्लस टोटल मीन टेम्परेचर को हम कैलकुलेट करते हैं, एक साथ इक्वेट करते हैं, तो इक्वेट करने पर जो वैल्यू आती वही अजीज कांस्टेंट है। ये साइंटिस्ट थे अजीज, इन्होंने दिया था 1957 में। इसी टर्म में एक टर्म और ऐड किया गया, थर्मल क्वांटम। थर्मल क्वांटम को चिनॉय ने 1960 में एक्सप्लेन किया, 1960 में एक्सप्लेन किया। और इस एक्सप्लेनेशन में उन्होंने बताया कि कोई भी फ्रूटिंग या कोई भी फ्लावरिंग के लिए एक पर्टिकुलर जो है इक्विलिब्रियम ऑफ टेम्परेचर और इन्वायरमेंटल कंडीशन रिस्पॉन्सिबल होगा, और ये इक्विलिब्रियम और ये कंडीशन जो रिस्पॉन्सिबल होगा यही जो है चिनॉय ने बताया 1960 में कि इसको थर्मल क्वांटम कहते हैं। देखिए, चिनॉय ने अजीज कांस्टेंट को सुपरसीड नहीं किया है, चिनॉय ने अजीज कांस्टेंट को में एक नया टर्म ऐड कर दिया है बस। इसका ये मतलब नहीं कि जो है आप जो इन्वायरमेंटल कंडीशन के साथ हम रूटिंग को कैलकुलेट करते हैं वो चिनॉय का शब्द है, नहीं, वो अजीज ही है, उसमें एक शब्द और ऐड कर दिया गया है, थर्मल क्वांटम। अजीज कांस्टेंट या थर्मल क्वांटम कह सकते हैं, तो वो यही चीज़ है। जो आपका लाइट का ड्यूरेशन है वो आर्स में देखा जाता है, फोटो पीरियडिज्म से आर्स निकाल लेते हैं, और टेम्परेचर जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में देखा जाता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की, दूसरा जो है टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के ही अकॉर्डिंग हमारे अर्थ पर अलग अलग लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड में देखिए सनलाइट पड़ रहा है। एक एंड में दो वीडियोस मैं भेजूंगा लिंक में, आप उसको देख लीजिएगा। सन की लाइट हमारे अर्थ पर अलग अलग लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड पर कैसे पड़ रही है आप देख रहे हैं, ये रेडिएशन आप देख रहे होंगे, ये वर्टिकल यहाँ पर होती है लंबवत, और ये देखिए, ये देख रहे हैं, टेंजेंट होती जाती है, पोल की तरफ टेंजेंट होती चली जाती है। तो इसीलिए अलग अलग इक्वेटर से पोल पर जब जाएंगे, जीरो डिग्री से 90 डिग्री की तरफ, चाहे नॉर्थ पोल में जाइए चाहे साउथ पोल में आइए, अलग अलग स्पीसीज आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये टेम्परेट जोन है इक्वेटर पे, ये ट्रॉपिकल है, ये पोलर है। जीरो डिग्री पर टेम्परेट, 30 डिग्री पे ट्रॉपिकल, और 80 से 90 के बीच में वो आपका पोलर रीजन आता है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक नया टर्म आपको दिख रहा होगा, टॉरिड। टॉरिड मीन्स टेम्परेट, टॉरिड जोन होता है, ये टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप ये देखिए, मैंने शुरुआती स्लाइड में बताया था आपको, ट्रॉपिकल जोन देख रहे हैं, ट्रॉपिकल के लिए ही टोरिड का शब्द का इस्तेमाल किया गया, मतलब ट्रॉपिकल और टोरिड एक ही चीज़ है।
इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे एक हवा बहती है, उसको हम डोलड्रम कहते हैं और प्लेस ऑफ काम कहते हैं। ये दोनों ही हेमिस्फीयर में होती है और इसी के बीच में, इक्वेटर से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे है। यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ आपको बताते हैं, हालांकि वो इक्वेटर में रहेगा आपके, इक्वेटर से 5 डिग्री मतलब 0 से 5 नॉर्थ पोल, 0 से 5 साउथ की तरफ में यहाँ पर ये डोलड्रम होता है और यहीं पर ये एक टेम्परेचर होराइजन हम लोग का है, इसको कहते हैं हम ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। जब ITCZ नॉर्थ की तरफ मूव करता है, नॉर्थ पोल की तरफ, तो इसको हम कहते हैं NTCZ। और जब ये साउथ की तरफ मूव करता है, साउथ पोल की तरफ, तब इसको हम कहते हैं STCZ सदर्न ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ये सन के साथ मूव करता है, सन के साथ मूव करता है, जैसे सन जो है जब ऊपर की तरफ बढ़ेगा, इक्वेटर की तरफ बढ़ रहा है, इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ, तो ये उसके आगे आगे चलेगा और जब वापस आएगा, जब इक्वेटर की तरफ वापस सन मूव करता है तो वो उसके पीछे पीछे आता है। फिर टेम्परेचर के आधार पर जो स्पेसीज है हमारे अर्थ पर, उसको 4 भागों में बांटा गया है। देखिए क्लाइमेट का जो इन्फ्लुएंस है ना, वो बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण रखता है। हम क्लाइमेट में हो रहे बदलाव को भी देख रहे हैं इन विगत दिनों में। इसमें क्या हो रहा है कि अब मैंने एक एग्जांपल दिया था क्लास में, भी अपने देता हूँ, किसान को लेकर होता है कि पराली जलाने से जो है प्रदूषण हो रहा है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि पराली से कैसे प्रदूषण हो जाएगा, तो आपको बता दें कि इन्वायरमेंट में बॉक्स मॉडल, पॉइंट सोर्स मॉडल और लाइन सोर्स मॉडल, ये 3 मॉडल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बॉक्स मॉडल या एरिया सोर्स मॉडल होता है, पॉइंट सोर्स मॉडल जो होगा वो गशियन प्लूम मॉडल होगा, स्टैग मॉडल होगा, उसको हम पॉइंट सोर्स मॉडल भी कहते हैं। और लाइन सोर्स मॉडल होता है कि मतलब कि एक स्ट्रीम लाइन में लाइन से कोई चीज़ें चल रही हैं, एक ओवरब्रिज है उस, या एक रोड है, हाईवे है, उसके ऊपर कार चल रही है, ट्रकें चल रही हैं, तो उनका अध्ययन लाइन सोर्स मॉडल के अंतर्गत हम करते हैं और उसका मॉडिफिकेशन हम बॉक्स मॉडल के अंतर्गत करते हैं। पॉइंट सोर्स में आएगा आपका इंडस्ट्री लगी है कहीं, या आपका जो है चिमनी है, स्टैग है, ईंट की भट्टा, तो ये पॉइंट सोर्स में आएगा। एग्रीकल्चरल फील्ड भी पॉइंट सोर्स में आता है। अब यहाँ समझने की बात क्या है, जिस दौरान पराली जलाई जाती है उस दौरान हमारे यहाँ जो है प्रेशर हाई होने शुरू होता है और यही कंडीशन डिजास्ट्रस हो जाती है। अगर गर्मी का सीजन रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर ठंडी में प्रेशर हाई होता है तो उस दौरान जलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे निकटतम वायुमंडल में ही एग्जिस्ट कर जाते हैं और यह वायुमंडल में एग्जिस्ट करना जो है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। यही तो है ग्लोबल वार्मिंग में, जब पोल पे कोई पोल्यूटेंट पहुंच गया तो वो डिस्पर्स ऑफ ही नहीं होगा, और जब डिस्पर्स ऑफ नहीं होगा तो क्या करेगा, वो वहाँ पे पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड बनाएगा जिससे ओजोन फॉर्मेशन नहीं होगा, ओजोन की जगह CLO बनने लगेगा, यही तो होता है। तो अब यही चीज़ है पराली के केस में। अब आप ये समझिए कि एक पर्टिकुलर खेत से जलने वाला निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन और एक टू व्हीलर से, मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, तो टू व्हीलर से निकलने वाला जो धुआं है या फोर व्हीलर से निकलने वाला धुआं है, मान लीजिए फोर व्हीलर है, लेट अस सपोज स्टीयरिंग लगा दे रहे हैं, तो फोर व्हीलर मैंने बनाया है यहाँ पे और टू व्हीलर बनाया है, तो अब आप ये कल्पना करिए कि टू व्हीलर और फोर व्हीलर से निकलने वाले धुएं का जो अमाउंट है वो, उसको तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम जैसे BS6 ले दिए, अब अगले बार BS7 आ जाएगा, 2030 तक सारे जो आपके गाड़ियाँ हैं वो सब CNGs में कन्वर्ट हो जानी है, तो यही सब इसको तो हम कंट्रोल कर लेंगे। पर जब हम बात करते हैं पॉइंट सोर्स मॉडल की, तो वहाँ पे पोल्यूशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा डेंसिटी में निकलता है, उसके डिस्पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा जो है अनस्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए। स्टेबल में तो वो डिस्पर्स ही नहीं होगा, अनस्टेबल इन्वायरमेंट रहेगा तब वो डिस्पर्स होगा, और इसी को हम प्लूम बिहेवियर में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे ये समझिए पराली कर क्या रही है, ये पॉइंट सोर्स में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बल्क में रिलीज होता है। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में पराली से ही प्रदूषण नहीं है, एक तो दिल्ली गड्ढे में है, ऐसे गड्ढे में है, कर्व शेप में है, तो यहाँ पर पोल्यूटेंट ज़्यादा देर तक परसिस्ट करेगा। दूसरा, दिल्ली में
पराली के बाद से सेकंड जो पोल्यूशन हो रहा है वो होता है वहाँ पे रिसाइकलिंग प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, और रिसाइकलिंग प्लांट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को रिसाइकिल कर रहे हैं, और ये रिसाइकलिंग में क्या हो रहा है कि वो लेड ऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, और लेड ऑक्साइड के कारण ये पोल्यूशन है। और हद है NGT और क्या नाम है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये पता नहीं किन वैज्ञानिकों को भर रखे हैं जिनको ये सिंपल सा इक्वेशन नहीं दिख रहा है। जो क्लास आप समझ लीजिए प्राइमरी में पर्यावरण चलता है, एक किताब है पर्यावरण, उसमें ये चीज़ लिखी हुई है, उसमें ये चीज़ लिखी है, इस प्रदूषण के बारे में लिखा है। गजब का है भाई, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ो नहीं उसके आप हेड बन जाओ तो आप यही करोगे ना। एक कहानी थी जिसमें वो राजा के नाक पर मक्खी बैठती है, तो उसका सेवक रहता है बंदर, और नाउ व्हाट द बंदर डिड, जब मक्खी फ्लाई करके उसके गर्दन पे बैठी, ही टिक द सोर्ड एंड कट हिज नेक। तो यही हाल है, आप जब बंदरों को वहां बैठाओगे तो यही होगा, आप जब बंदरों को बैठाओगे तो वही होगा, और 100% यही हो रहा है। एग्जाम्पल है, एकदम लाइव, एकदम लाइव। अनप्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस, किसी विद्वान ने कह दिया कि प्रदूषण को ठीक करने के लिए दिल्ली में फॉग गन ले आइए, अब फॉग गन पे करोड़ों का टेंडर निकल गया, और यार ये बताओ आर यू आउट ऑफ माइंड, फॉग गन का इस्तेमाल किस लिए होता है? फॉग गन का इस्तेमाल एक पर्टिकुलर क्रिकेट फील्ड के लिए कर सकते हैं आप, ईडन गार्डन, भारत का सबसे बड़ा क्रिकेट फील्ड ईडन गार्डन, ईडन गार्डन के लिए आप कर सकते हैं, परंतु आप दिल्ली के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि दिल्ली लखनऊ का 4 गुना है, लखनऊ का 4 गुना है, उसके आगे लखनऊ बौना है, और जो कि बहुत विस्तार में फैला हुआ है फिर भी वो बौना है, और लखनऊ का 4 गुना है दिल्ली। और जब 4 गुना इलाके की बात करते हैं आप, तो ऐसे अनप्रैक्टिकल प्रैक्टिसेस जब आप करेंगे तो मुंह की खाएंगे, पैसा कमाएंगे। इसीलिए मैं एक बार बोला था कि इन्वायरमेंट इज़ अ $1 बिलियन बिजनेस, इन्वायरमेंटल साइंस एक $1 बिलियन बिजनेस है, बस तुमने अगर अच्छे से पढ़ा है तो यू आर बिलियनरी। अगर जो बाइडन ट्रंप का ही जो उसके डिसीजंस थे उसका विरोध करते वो हार जाते, ही टुक द पॉइंट कोविड एंड ही टुक द पॉइंट क्लाइमेट चेंज, नाउ ही इज कमिंग टू कोविड एंड क्लाइमेट चेंज, वो इन्हीं दो चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं, पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, इन्वायरमेंट को ही डिस्कस कर रही है, यही दो टॉपिक में है, और कौन टॉपिक है? इन्वायरमेंट बिगड़ जाएगा तो क्या आप मंगल पर रह पाओगे? वहाँ जाने के लिए आपके पास बिल गेट्स का सैलरी होना चाहिए। खैर, तो ये समझ रहे हैं, पॉइंट सोर्स पे निकलने वाला जो पोल्यूटेंट है वो डेंस होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और यही कारण है कि पराली से पोल्यूशन हो रहा है। वैसे गाहे बगाहे अनजाहे में हमारे किसान भाई लोग एक गलती कर रहे हैं, ये पराली जो जला रहे हैं इनका टॉप माइक्रो फ्लोरा नष्ट हो जा रहा है, सॉयल का टॉप फ्लोरा नष्ट हो जाएगा, सॉयल खराब हो जाएगी। और जितना पेस्टिसाइड और डालोगे, इसके बाद सबको पेस्टिसाइड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जितना ज़्यादा आप पेस्टिसाइड डालोगे जिप्सम के साथ ऐड करके, वो यूरिया वाला हिसाब किताब, आपकी मट्टी ठोस होती चली जाएगी, जब मट्टी ठोस होगी तो परकुलेशन पानी का कम होगा, आपका खेत सीमेंट बनने की तरफ बढ़ रहा है भाई। गाय का गोबर इस्तेमाल करो खाद में, कुछ नहीं बिगड़ने वाला। पहली बार में जब खाद से खेती करोगे तो पूरे ओवरऑल मान लो 10 हेक्टेयर की जमीन है या 10 बीघा है आपके पास, तो उसमें मात्र आपको 10% लॉस होगा, पर अगले साल से वो 10+ करके ग्रो करेगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जोर दीजिए प्लीज़, अपने खेतों को बंजर उंजर मत बनाइए, ये सब एसेट्स हैं, ये जो कुदरत के दिए गए वसाइल्स हैं जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये बहुत प्रीशियस है। करोड़ों रुपए खर्च हो जाएगा 1 बीघा खेत को ठीक करने में, मिनिमम 10 लाख, और एक मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी बनने में, एक वेदरिंग रॉक से वेदर होकर एक सॉयल बनने में उसको करीबन 10,000 साल लग जाते हैं उपज वाली मिट्टी बनने में, और इंडो गैंगेटिक प्लेन सबसे ज़्यादा उपज वाला प्लेन है, तो यहाँ की मिट्टी को बर्बाद ऐसे मत कीजिए। सफ़ेदा है तो उसको काटिए प्लीज़, वो तो सबसे ज़्यादा माने डेविल है, वो आपका खेत ऐसे ही मार देगा। अगर किसी सिटी में लगा देंगे आप सफ़ेदा, वहाँ के पूरे लोगों के घर के ट्यूबवेल और समरसेबल के गिर जाएंगे पानी के लेवल। तो टेम्परेचर के आधार पर हम देख रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते मैं बहुत ज़्यादा पढ़ा देता हूँ क्योंकि कई सारे फोल्डर्स दिमाग में खुल जाते हैं मेरे,
मेरे स्टूडेंट समझ रहे होंगे। तो टेम्परेचर के आधार पर चार पार्ट, चार स्पीसीज को विभाजित किया गया, मेगाथर्म, मीजोथर्म, माइक्रोथर्म और हिक्टोथर्म। जनरली क्या होता है कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे और 48.4 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव ऊपर ग्रोथ नहीं होती है। जो सबसे बेस्ट ग्रोथ के लिए है वो 21.2 डिग्री सेंटीग्रेड से 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। कहीं कहीं पे 6.9 भी लिखा है, इट इज़ ऑल्सो राइट। एग्जैक्टली 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इट इज़ द बेस्ट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट और एनी ऑटोट्रॉपिक स्पीसीज जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। परंतु 26.9 इज़ ऑल्सो द सेकेंड बेस्ट, आप ये कह सकते हो इट इज़ द सेकेंड बेस्ट। 21.2 जो है यहाँ से लेकर 26.6 डिग्री सेंटीग्रेड तक बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और जो डेव जो एप का एन, एक सो क्या कहते हैं ब्लॉक, एक ब्लॉक है ग्रोथ का, वो है 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड से 44.4 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 48.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लांट ग्रोथ करना स्लो डाउन हो जाएगा उसका ग्रोथ, और 4.4 से नीचे प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा। फिर उधर आपको लाइकेन, फंगस वंगस ये सब मिलना शुरू हो जाएंगे और यूवी टॉलरेंट स्पीसीज आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। पोल्स पे यूवी टॉलरेंट स्पीसीज आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। पूरे भारतवर्ष में जो खेती है उसको सन के आधार पर ही विभक्त किया गया है। ऋग्वेद काल में एक ऐसा काल था जहाँ पर जो है खेती जो है वो तीन बैलों से कराई जाती थी, वो इकलौता ऐसा काल था। और भारत एक इकलौता ऐसा देश था जहाँ एक साथ तीन बैलों से खेती कराई जाती थी पूरी दुनिया में। इंडियंस आर एवरीवेयर, आप देख रहे हैं अफ्रीका से लेके चीन तक और अमेरिका से लेके इंडोनेशिया सुमात्रा तक और हिंद कुश पर्वतमाला से लेकर और पूरा आपका म्यांमार और जो भी आप जोड़ लें, यहाँ आपको जो भी खुदाई हो रही है उसमें इंडियन जो आपका टेक्स्ट है वही मिल रहा है। हर तरफ हम ही थे और हम ही हैं। अब क्रॉप को तीन हिस्सों में देखा गया, रबी, यही ये भी चीज मैं जो है स्किप कर गया था। रबी की फसल स्प्रिंग सीजन में होती है, लास्ट में दो वीडियो आएंगे उनको जरूर सुनिएगा। रबी स्प्रिंग सीजन के लिए होता है। स्प्रिंग सीजन में क्या क्या उगता है? पोटैटो, वीट, पल्स, ऑयल सीड, ओट, एलमंड, ग्रेप, लेमन, मसूर की दाल, सनफ्लावर, कैरेट, ओनियन। कौन सा महीना है इसको रोपा कब जाता है रबी को? अक्टूबर में। अक्टूबर में रोपेंगे, अप्रैल में काटेंगे। आप ये समझिए कि जो है आपका अक्टूबर में नवरात्र लगता है, एक नवरात्र में रोपेंगे और एक नवरात्र में काटेंगे। चैत रामनवमी और जो है ये नवरात्र आपका, इधर इसमें रोपेंगे और उधर काटेंगे। जनरल अपने आपको माइंड सेट कैसे देखिए, बहुत सारे जनरल नॉलेज में होता है ना कि वो लोग कहते हैं बहुत आसान टेक्निक है, इट इज़ अ टेक्निक। नो, जनरल नॉलेज की स्टडी करना टेक्निक नहीं है, इट इज़ वेरी सिंपल। यू शुड गो थ्रू बुक्स, बस आप ल्यूसेंट खरीद लो, कोई ज़रूरत नहीं आप ये लिखो कि महात्मा गए थे वहाँ पर पानी पीने, ऐसे कुछ नहीं होगा। इस तरह से मेमोरी में नहीं स्टोर होता है। आप एक बुक पढ़ोगे ना तो उसमें आप बुक पढ़ो और अपने जीकेस को नोट्स करो, नोट कर दो तो वो हमेशा दिमाग में लिख जाएगा। फिर इसके बाद से खरीफ की फसल आती है। खरीफ मतलब मानसून सीजन, मतलब बारिश। बारिश मतलब वो लास्ट में वीडियो देखिएगा, हम अर्थ का ऑटम और समर और स्प्रिंग सब डिराइव किए हैं। तो बारिश के सीजन में कौन कौन सा उधर होता है? मेज, राइस, जूट, सुगर केन, सीड, पल्स, कॉटन, अरहर, ग्राउंडनट, टमाटो, टर्मरिक, चिली। कब लगाया जाएगा? जून में बोया जाएगा और सितंबर में काट लिया जाएगा 22 तक। जून में बोकर 22 सितंबर तक काट लेते हैं, तो इसको कहते हैं हम खरीफ की फसल। जायद की फसल समर क्रॉप कहलाती है। समर क्रॉप मतलब कि मैक्सिमम वाटरमेलन, मस्क मिलन, कुकुम्बर्स और जो है बिटर गार्ड्स आते हैं। अरे करेला, बिटर गार्ड मतलब करेला,
और ये आएगा आपका मार्च से जून, मार्च में रोपेंगे जून में काट लेंगे। अब ALPD कैंडोली 1874, देखिए भारत में कब से मालूम था, रवि खरीफ जायद ये सब युगो युगो चला आ रहा है फसल है। और अब हमको ये कैंडोली साहब 1874 में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि तीन प्रकार के टेम्परेचरल जोन होते हैं ग्लोबली। अब सुनिए इनकी कहानी। कैंडोली साहब फरमाते हैं कि चार प्रकार के टेम्परेचर जोन होते हैं। एक है मेगाथर्म, मेगाथर्म मतलब 30 डिग्री से 45 डिग्री टेम्परेचर। यह जो है वेजिटेशन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। नाउ वेयर इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? अरे इसको तो मैं यही आपको मैं बता सकता हूँ। ये देखो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज इक्वेटर, बोथ साइड इक्वेटर, 30 to 60 डिग्री, सॉरी 0 to 30 डिग्री, 0 to 30 डिग्री, सॉरी सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ इसको थोड़ा सा बड़ा करो, 0 to 30 डिग्री इन नॉर्थ और 0 to 30 डिग्री इन साउथ। तो यहां पर ये टेम्परेट जोन, और टेम्परेट जोन में आपको मिलेगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर आइए मीजोथर्म में। मीजोथर्म वो स्पेसीज हैं जो अल्टरनेट ग्रो करती हैं, अल्टरनेट ग्रो करती हैं। अल्टरनेट ग्रो मतलब कि आपका 3 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 3 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड और 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये एक तरह का मिक्स वैरायटी भी चलता है, मिक्स वैरायटी भी चलता है। ये मैक्सिमम डोमिनेंट होते हैं ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट। और इसके बाद से माइक्रोथर्म आते हैं। माइक्रोथर्म का टेम्परेचर जोन 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये टेम्परेट से और ऊपर पोलर सब पोलर रीजन में पाए जाएंगे, कॉनिफेरस फॉरेस्ट होंगे मैक्सिमम, देवदार के पेड़, पाइन के पेड़, ये सब आते हैं इसमें माइक्रोथर्म में। फिर हेक्सोथर्म आता है, हेक्टोथर्म आता है, इसमें आता है टेम्परेचर 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड के रेंज में। ये पूरा आपको जो है अप्लाइन वेजिटेशन मिलेगा, पूरा अप्लाइन वेजिटेशन जो भी होगा वो इसी रेंज में आपको मिलेगा, 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डॉर्मेंट वेजिटेशन होता है वहाँ का अप्लाइन का। अब एक रेशियो दिया गया, इसको कहते हैं टेम्परेचर कोफिशियंट। टेम्परेचर कोफिशियंट क्या है? टेम्परेचर कोफिशियंट एक रेशियो है, वो बताता है कि हर 10 डिग्री तापमान बढ़ने पर, हर 10 डिग्री तापमान बढ़ने पर जो रेट ऑफ रिस्पायरेशन है वो डबल हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑप्टिमम टेम्परेचर। और ये रेट ऑफ रिस्पायरेशन क्या है, और ये कौन दिया? ये वॉन हॉफ लॉ है फॉर रेट ऑफ रिस्पायरेशन। फिर अब इसके बाद से इसमें हम दो आई लिंक पे बटन डालेंगे आपका, उसको आप जरूर देखिएगा, एंड स्क्रीन पर रहेगा, जरूर देखिएगा। और थैंक यू वेरी मच, और सबसे ज़्यादा तो मैं उस बच्चे को शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि रियली सॉरी कि बेटा मुझे मालूम नहीं था कि कोई स्टूडेंट मेरा ऐसा भी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। उम्मीद करता हूँ सारा डेटा मिल गया होगा। और वीरेंद्र आपके लिए जो है मेरा मैसेज है कि खुश रहिए, आप सभी लोग खुश रहिए। और वीरेंद्र आप बेधड़क हमें फ़ोन करिएगा, कोई भी क्यूरी रहे तो आप हमें फ़ोन करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए।